हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसी माजा और स्लाइस जैसा मैंगो जूस, वो भी बहुत आसान तरीके से। बहुत कम समय में आप इसे बना सकते हैं सिर्फ दो ही चीजों से, और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। मैंगो जूस या माजा बनाने के लिए लेंगे 2 पका हुआ आम और 1 कच्चा आम। इस रेशियो से एकदम परफेक्ट माजा बनके तैयार होगा। आम का छिलका हटा लेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे। आम आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके यहाँ आसानी से मिल रहा है, कोई भी मीठा पका हुआ आम ले सकते हैं, टेस्ट वैसा ही आएगा जिस तरह का माजा बनता है। छिलका आसानी से हट जाएगा, इस तरह से पीलर से इसे हटा लेंगे। तीनों आम छील लिए हैं, अब इसका पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से कट लगा लेंगे आम के ऊपर, आसानी से सारा पल्प निकल जाएगा। बहुत आसान है बनाना दोस्तों, और आसान भी है और इतना टेस्टी बन जाता है ये, एकदम मार्केट जैसा ही बनके तैयार होगा। लगेगा ही नहीं कि आप इसे घर में बनाए हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, तो आप घर में बनाकर बच्चों को आसानी से इस तरह से दे सकते हैं। अगर पका हुआ आम थोड़ा खट्टा है तो आप कच्चा आम थोड़ा सा कम ही डालिएगा। आम से सारा पल्प निकाल लिए हैं, एक कढ़ाही लेंगे और इसमें ये सारा पल्प डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी कटोरी भर के चीनी। चीनी इतना डालना है कि मैंगो जूस बहुत खट्टा भी ना हो और बहुत ज्यादा मीठा भी ना हो। चीनी इतना डाल दिए हैं, अगर खट्टा आम है तो चीनी का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, और अगर आम बहुत ज्यादा मीठा है तो थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है। तो जब चीनी पकाने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद अगर जरूरत होगा तो चीनी और डाला जा सकता है। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी इतना डालना है कि मैंगो का पल्प डूब जाए। इस कप से 2 कप पानी डाल दिए हैं, लगभग 1 लीटर। अब कढ़ाही को रखेंगे गैस पे और फ्लेम हाई कर लेंगे। एक बार इसे मिला लेंगे इस तरह से। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और मैंगो पल्प एकदम सॉफ्ट हो जाए इतना इसे पका लेंगे। पल्प पकते लगभग 15 मिनट हो गया है। अब इसका ढक्कन हटाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे। अब कच्चा मैंगो का जो पल्प है उसे चेक कर लेंगे। पका हुआ मैंगो तो पहले से पका ही हुआ था, देखिए एकदम आसानी से ये घुल जा रहा है। अब गैस ऑफ कर देंगे। कड़ाही गैस से उतार लिए हैं, अब इसे हमें छन्ना में छान लेना है। पल्प हल्का ठंडा हो गया है, अब एक बड़े साइज के बर्तन के ऊपर छन्ना रखेंगे और इस पल्प को इसमें डाल देंगे, और इस तरह से दबाते हुए सारा पल्प छान लेंगे। अच्छे से पक गया है तो ये आसानी से छन जाएगा। खुशबू तो इतना अच्छा आ रहा है दोस्तों, लग रहा है कि अभी इसे पी लें। बहुत टेस्टी लग रहा है ये खुशबू से, एकदम माजा फ्रूटी जैसा लगता है ना, बस वैसा ही खुशबू आ रहा है इसमें। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारा जूस छन गया है, थोड़ा सा इसमें बच गया है, अब इसे हटा देंगे। अगर छानने में दिक्कत हो तो आप इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस कर भी छान सकते हैं। मैंगो जूस का कलर एकदम माजा, एकदम फ्रूटी जैसा दिख रहा है, और कंसिस्टेंसी भी देखिए इसी तरह का, इतना ही पतला रहता है ये। तो इसमें कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि कलर लाइट लग रहा है या थोड़ा खुशबू कम आ रहा है तो इसमें कलर एसेंस आप डाल सकते हैं। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा होने देंगे। मैंगो जूस रखे 1 घंटा हो गया है और ये ठंडा हो गया है, अब इसे सर्व करेंगे। अब आप इसे बोतल में भर के फ्रिज में रख दीजिए और 10 से 15 दिन तक पीजिए। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, बिना प्रिजर्वेटिव का भी आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ग्लास लेंगे और इसमें डालेंगे आइस क्यूब। आइस क्यूब डाल दिए हैं, अब इसमें डाल देंगे टेस्टी टेस्टी एकदम ठंडा मैंगो जूस। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए,
और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये टेस्टी सा रेसिपी कैसा लगा। मैंगो जूस बन के तैयार है दोस्तों, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा, ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है।